Hello students, myself Sanju Kavar from JPC Jodhpur, lecturer Electronics Engineering. आज के लेक्चर में हम इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट्स का टॉपिक पावर एम्पलीफायर के हार्मोनिक डिस्टॉर्शन इन क्लास एम्पलीफायर के बारे में डिस्कस करेंगे. तो आइए स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज हार्मोनिक डिस्टॉर्शन? हार्मोनिक डिस्टॉर्शन बेसिकली क्या है? देखिए, जो स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर्स होते हैं उनमें क्या होता है कि जो इनपुट होता है, इनपुट सिग्नल का एम्पलीट्यूड बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है. और सिग्नल जो ऑपरेट करता है वो केवल लीनियर पोर्शन में ऑपरेट करता है. जो कैरेक्टरिस्टिक कर्व होती है उसकी लीनियर पोर्शन में काम करता है स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर में. इस वजह से क्या होता है कि वहाँ पर कोई भी डिस्टॉर्शन नहीं होता आउटपुट में. लेकिन जब हम लार्ज सिग्नल एम्पलीफायर्स की बात करते हैं तो वहाँ पे जो सिग्नल एम्पलीट्यूड्स होते हैं बहुत बड़े होते हैं. तो वो केवल सिग्नल हमेशा लीनियर रीजन में ऑपरेट करे ऐसा पॉसिबल नहीं होता. तो सिग्नल लीनियर और नॉन लीनियर पोर्शन जो होते हैं कैरेक्टरिस्टिक करके दोनों में ऑपरेट करता है. इस वजह से क्या होता है, हमें कुछ आउटपुट में हार्मोनिक्स मिलते हैं और इस हार्मोनिक्स की वजह से हार्मोनिक डिस्टॉर्शन प्रोड्यूस होता है आउटपुट में. तो सीधे शब्दों में अगर मैं कहूँ तो हार्मोनिक डिस्टॉर्शन बेसिकली क्या है, आइए एक इक्वेशन से हम समझते हैं. सपोज कीजिए मैंने कलेक्टर करंट की एक इक्वेशन यहाँ पे लिखी है आईसी. आईसी डिनोट करता है कलेक्टर करंट को. तो आईसी की मैंने एक इक्वेशन यहाँ पे लिखी है, आईसी इज इक्वल टू कैपिटल आईसी प्लस बी ज़ीरो. देखिए ये आईसी और बी ज़ीरो जो टर्म है ये केवल एम्पलीट्यूड है, इसमें कोई फ्रीक्वेंसी की टर्म नहीं है, कांस्टेंट है. आगे के कंपोनेंट है प्लस बी वन कॉस ओमेगा टी प्लस बी टू कॉस ओमेगा टी प्लस बी थ्री कॉस थ्री ओमेगा टी. अब समझते हैं इंडिविजुअली के कंपोनेंट्स क्या है. आई सी प्लस बी नॉट क्या है? डी सी कंपोनेंट. क्यों? क्योंकि ये कॉन्स्टेंट टर्म है और इनमें फ्रीक्वेंसी की कोई भी टर्म नहीं है, तो इस वजह से ये कॉन्स्टेंट है. कॉन्स्टेंट, इट इज़ कॉल्ड डी सी कम्पोनेंट. अब देखिए हमने जो फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिट की थी वो एफ थी. तो बी वन कॉस ओमेगा टी, ओमेगा मीन्स टू पाई एफ, यानी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे एफ है, फंडामेंटल कंपोनेंट. तो जो फ्रीक्वेंसी के अलग अलग कंपोनेंट होते हैं एफ टू एफ थ्री एफ, इन्हीं को हार्मोनिक्स कहा जाता है. एफ तो मेरा रिक्वायर्ड कंपोनेंट था इसलिए बी वन कॉस ओमेगा टी को कहा जाता है फंडामेंटल कंपोनेंट. फर्स्ट हार्मोनिक हार्मोनिक इज नॉट डिस्टॉर्शन. ये हमें चाहिए क्योंकि हमें एफ फ्रीक्वेंसी चाहिए. इसी तरह इसके आगे और फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट जनरेट होंगे, बी टू कॉस टू ओमेगा टी, ट्वाइस फ्रीक्वेंसी का टर्म है टू ओमेगा टी, थ्राइस का थ्री ओमेगा टी. इसी तरह से आगे के धीरे धीरे और कंपोनेंट होंगे लेकिन इनका एम्पलीट्यूड कम होता जाएगा तो उनकी वैल्यू अप्रॉक्स टू जीरो हो जाएगी. आगे के जो कंपोनेंट्स होंगे और बी फोर कॉस ओमेगा फोर टी, फाइव ओमेगा टी एन सिक्स ओमेगा टी एन सो ऑन. तो टू ओमेगा टी जो है सेकेंड जो कंपोनेंट है बी टू कॉस ओमेगा टी, ये है मेरा सेकेंड हार्मोनिक क्योंकि यहाँ पर मुझे टू एफ फ्रीक्वेंसी मिल रही है जो मुझे नहीं चाहिए. नेक्स्ट थ्री एफ फ्रीक्वेंसी भी मुझे नहीं चाहिए आगे, यानी एफ के अलावा जितने भी फ्रीक्वेंसीज आगे मुझे मिल रही हैं ये मुझे कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं चाहिए. तो इन्हीं को कहा जाता है डिस्टॉर्शन. एम्पलीट्यूड वाइज बात करें तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी के हार्मोनिक्स बढ़ेंगे वैसे वैसे उनका एम्पलीट्यूड कम होता जाएगा. तो जो फर्स्ट हार्मोनिक का एम्पलीट्यूड है बी वन वो सबसे ज़्यादा होगा. तो बी वन इज़ ग्रेटर देन बी टू, बी टू इज़ ग्रेटर देन बी थ्री, बी थ्री इज़ ग्रेटर देन बी फोर. तो ये इक्वेशन फोरियर सीरीज एनालिसिस जो मैंने किया है कलेक्टर करंट की इक्वेशन का, इस तरह से डी सी कंपोनेंट प्लस फर्स्ट हार्मोनिक प्लस सेकेंड प्लस थर्ड हार्मोनिक. तो अब मैं सेकेंड हार्मोनिक डिस्टॉर्शन का एनालिसिस करती हूँ. सेकेंड हार्मोनिक डिस्टॉर्शन की वैल्यू निकालने के लिए सिंपल डी टू इज इक्वल टू कैसे निकलेगा, बी टू अपन बी वन जो सेकेंड हार्मोनिक का एम्पलीट्यूड है अपन फर्स्ट हार्मोनिक का एम्पलीट्यूड. इसी तरह से थर्ड हार्मोनिक निकालना है तो डी थ्री से रिप्रेजेंट करेंगे थर्ड हार्मोनिक को. थर्ड हार्मोनिक डिस्टॉर्शन को डी थ्री से, डिस्टॉर्शन को डी से डिनोट किया गया.
B3 मेरा आ जाएगा B3 अपॉन B1। इसी तरह से फोर्थ हार्मोनिक कंपोनेंट आ जाएगा मेरा D4 इज इक्वल टू B4 अपॉन B1। अब जो मेरी एसी पावर है, आउटपुट एसी पावर है, वो हमेशा B1 कंपोनेंट में रहती है। तो जब मुझे फंडामेंटल एसी पावर निकालना है तो P1 इज इक्वल टू B1 अपॉन √2। RMS वैल्यू जो निकाली है मैंने इसकी एम्पलीट्यूड की का होल स्क्वायर इंटू R0। तो फंडामेंटल एसी पावर मेरी निकल जाएगी P1 इज इक्वल टू B1 स्क्वायर R0 बाय 2। अब मुझे टोटल पावर अगर निकालनी है, टोटल पावर यानी सारे हार्मोनिक्स की पावर, तो वो किस तरह से निकालेंगे आप? इंडिविजुअल हार्मोनिक्स के कंपोनेंट्स को ऐड कर देंगे। यहाँ पर DC जो है मैंने नहीं लिया है क्योंकि DC फिल्टर के थ्रू रिमूव कर देंगे हम। तो मेरा टोटल हार्मोनिक पावर आ जाएगी, इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के हार्मोनिक पावर को ऐड कर देंगे। तो जिस तरह से मैंने फर्स्ट हार्मोनिक की अभी निकाली थी B1 स्क्वायर R0 बाय 2, उसी तरह से सेकेंड की हो जाएगी B2 स्क्वायर R0 बाय 2, थर्ड की हो जाएगी B3 स्क्वायर R0 बाय 2, फोर की हो जाएगी B4 स्क्वायर R0 बाय 2। तो टोटल पावर B1 स्क्वायर R0 बाय 2 कॉमन ले लेंगे बाहर, ब्रैकेट में आ जाएगा 1 प्लस B2 बाय B1 का होल स्क्वायर प्लस B3 बाय B1 का होल स्क्वायर प्लस B4 बाय B1 का होल स्क्वायर एंड सो ऑन। तो टोटल हार्मोनिक पावर में दिया जाएगी, PT से डिनोट किया है टोटल हार्मोनिक पावर को, PT इज इक्वल टू P1 इंटू ब्रैकेट में 1 प्लस D2 स्क्वायर प्लस D3 स्क्वायर D4 स्क्वायर। तो D टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन जो है उसको D से डिनोट किया है इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ D2 स्क्वायर प्लस D3 स्क्वायर प्लस D4 स्क्वायर। तो टोटल हार्मोनिक पावर आ जाएगी P1 इंटू 1 प्लस D स्क्वायर। अब एक यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि यहाँ पर डिस्टॉर्शन जो है, पहला डिस्टॉर्शन है वो सेकंड है, क्योंकि फर्स्ट फंडामेंटल कंपोनेंट है दैट इज़ नॉट डिस्टॉर्शन। इसलिए जो पहला हार्मोनिक आएगा वो हमेशा D2 होगा, कभी भी D1 नहीं आएगा। ये चीज़ ध्यान देने वाली यहाँ पर है कि फर्स्ट हार्मोनिक डिस्टॉर्शन जो होगा वो हमेशा सेकेंड हार्मोनिक डिस्टॉर्शन होगा, सेकेंड, क्योंकि फर्स्ट वाला जो था वो रिक्वायर्ड कंपोनेंट था, फंडामेंटल कंपोनेंट, तो उसे डिस्टॉर्शन नहीं कहेंगे हम। तो डी टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन का फॉर्मूला हो जाएगा डी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ D2 स्क्वायर प्लस D3 स्क्वायर प्लस D4 स्क्वायर। यहाँ पे अंडर रूट में है ये तीनों क्वांटिटी, छोटा सा स्क्वायर रूट है। अब सपोज करो कि डी मेरा जो है 10% है, तो टोटल हार्मोनिक पावर जो आ जाएगी अगर डिस्टॉर्शन 10% है तो टोटल हार्मोनिक पावर ऑलमोस्ट इक्वल टू आ जाएगी फर्स्ट कंपोनेंट के बराबर। तो इसका मतलब अगर 10% से कम पे मेरा टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन रहता है तो टोटल हार्मोनिक पावर जो होगी वो ऑलमोस्ट उतनी इक्वल होगी जितनी कि फंडामेंटल कंपोनेंट की पावर होगी। अब हम सबसे पहले देखते हैं क्लास ए एम्पलीफायर। क्लास ए एम्पलीफायर कैसे काम करता है? क्लास एम्पलीफायर में क्या होता है, पावर एम्पलीफायर्स को अलग अलग क्लास में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ए बी, ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्शन एंगल। कंडक्शन एंगल मींस कि आपके यहाँ पे इनपुट साइकिल कितने एंगल के लिए काम करता है, यानी इनपुट कितने डिग्री के लिए प्रेजेंट रहता है। जैसे कि यहाँ पर एक साइन वेव हमने ली है, साइन वेव स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीरो, ज़ीरो पे 0 डिग्री, 90 पे जाके मैक्सिमम हो रही है, 180 पे मिनिमम, 0 वापस, और इसी 270 पे माइनस ऑफ मैक्सिमम। तो यहाँ पे क्लास ए एम्पलीफायर जो है, यहाँ पे कंडक्शन एंगल जो है मेरा 2π है, क्योंकि साइकिल जो है पूरे के लिए मिल रही है मुझे, 0 से लेके 360 तक पूरे टाइम के लिए मेरे को मेरी साइकिल यहाँ पर मिल रही है। तो इसका मतलब जो कलेक्टर करंट है पूरे 360 डिग्री ऑफ इनपुट सिग्नल के लिए फ्लो कर रहा है, और क्यू पॉइंट जो है वो
डीसी लोड लाइन के हमेशा सेंटर में आता है। ये अभी हम इनपुट कैरेक्टरिस्टिक की ग्राफ्स यहाँ पर देखेंगे, उसे समझते हैं। तो ये देखिए, ये ट्रांजिस्टर के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कलेक्टर करंट वर्सेस कलेक्टर टू एमिटर वोल्टेज, आई वर्सेस वी ग्राफ है ये। तो क्लास एम्पलीफायर के लिए सिंपल एक कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन लिया है मैंने, फीडबैक बेस पे फीडबैक लगाया है, आर वी रेजिस्टेंस और कलेक्टर पे आर सी कलेक्टर रेजिस्टेंस आउटपुट के लिए। यहाँ पर जो मेरा ऑपरेटिंग पॉइंट है, ऑपरेटिंग पॉइंट क्या होता है, जो आपके ट्रांजिस्टर की कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स को डीसी लोड लाइन के साथ जो कट करता है पॉइंट, वो होता है ऑपरेटिंग पॉइंट। यानी जो ए पॉइंट यहाँ मिडल में आपको दिख रहा है, दैट इज़ ऑपरेटिंग पॉइंट। तो यहाँ पे जो ऑपरेटिंग पॉइंट आ रहा है एकदम सेंटर में, ए जो आ रहा है वो क्या है, क्यू पॉइंट है। क्यू पॉइंट बिल्कुल मिडल में आ रहा है। तो क्यू पॉइंट इज़ लोकेटेड एट सेंटर ऑफ डीसी लोड लाइन। तो इसके सेंटर पे लोकेट होने से क्या फ़ायदा होता है हमें, फ़ायदा एडवांटेज इसका ये होता है कि मिनिमम डिस्टॉर्शन मिलता है हमें और नॉइज़ इंटरफेरेंस भी मुझे मिनिमम मिलता है, मिनिमम नॉइज़ एंड मिनिमम नॉइज़ इंटरफेरेंस। तो डिस्टॉर्शन कम से कम है तो मेरे को आउटपुट ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा और नॉइज़ भी बहुत कम मिलेगी। सेकेंड पॉइंट है यहाँ पे एक्सेलेंट थर्मल स्टेबिलिटी, क्योंकि वी सी जो है, हमने ग्राफ से देखा है कि वी सी जो है लेस देन वी सी सी बाई टू आ रहा है यहाँ पे। तो जो मैंने थर्मल रन अवे के कंडीशंस बढ़ रखी हैं उसमें ये है कि अगर वी सी लेस देन वी सी सी बाई टू रहता है तो ट्रांजिस्टर का थर्मल ब्रेकडाउन नहीं होता, ट्रांजिस्टर हमेशा प्रोटेक्टेड रहता है। ये कंडीशन सेटिस्फाई अगर होती है तो ट्रांजिस्टर अपने आप की कूलिंग कर लेता है और वो ब्रेक डाउन नहीं होता है। तो ब्रेक डाउन नहीं होने से इसकी जो थर्मल स्टेबिलिटी होती है वो बहुत अच्छी होती है, एक्सेलेंट थर्मल स्टेबिलिटी। अब इसके डिसएडवांटेज क्या है कि इसकी जो एफिशिएंसी है नीटा वो बहुत कम है, यानी कि जो मेरे को आउटपुट ये पावर दे रहा है वो बहुत कम दे रहा है, तो इसकी एफिशिएंसी बहुत कम है। सेकेंड पॉइंट है डिसएडवांटेज का कि ये पावर ड्रेन इंट्रोड्यूस करता है। पावर ड्रेन क्या है, देखिए जब कोई डीसी पावर एसी पावर में कन्वर्ट नहीं हो पाती है तो वो एक लॉस है, और वो एक लॉस बनकर ट्रांजिस्टर में आता है। जब कोई सिग्नल अप्लाई नहीं कर रहे हैं हम, फिर भी अगर मेरा ट्रांजिस्टर मैक्सिमम पावर कंज्यूम कर रहा है तो इट इज़ कॉल्ड एज पावर ड्रेन, क्योंकि बिना सिग्नल, जब मैंने सिग्नल ही अप्लाई नहीं किया उससे पहले अगर मेरा ट्रांजिस्टर पावर ले रहा है तो मेरा पावर का लॉस हो रहा है। जब सिग्नल अप्लाई आप कर देते हो फिर अब ट्रांजिस्टर इतनी ज़्यादा पावर नहीं लेता है, कम लेता है। तो विदाउट सिग्नल जो पावर ले रहा था वो एक लॉस था, एंड दिस लॉस इज कॉल्ड एज पावर ड्रेन। तो इसके डिसएडवांटेज ये है कि एफिशिएंसी इसकी बहुत कम है और इसमें सेकेंड पावर ड्रेन हो रहा है। इसकी एप्लीकेशन क्या है क्लास एम्पलीफायर की, इसको डिज़ाइनिंग ऑफ ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर में बहुत ज़्यादा काम में लिया जाता है, जहाँ पे केवल एक ही ट्रांजिस्टर चाहिए एक स्टेज के अंदर, सिंगल एंडेड मींस वन ट्रांजिस्टर पर स्टेज। तो वहाँ पे ज़्यादातर क्लास एम्पलीफायर को ही यूज़ किया जाता है। तो क्लास एम्पलीफायर के फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी है। नुकसान ये कि इसका नीटा बहुत कम है और एफिशिएंसी कम है, तो ऑल हमें सर्किट्स में एफिशिएंसी ही चाहिए ज़्यादा, क्योंकि क्लास एम्पलीफायर की एफिशिएंसी बहुत कम है और ये पावर ड्रेन रिड्यूस कर रहा है, इसलिए हम दूसरे कॉन्फ़िगरेशंस जो हैं पावर एम्पलीफायर के, दूसरी क्लासेस जो हैं उन पर जाएंगे। अगले लेक्चर में हम आगे के क्लासेस पढ़ेंगे। थैंक यू।